ब्लॉग देखिए, सब कुछ दिख जाएगा। मतलब केक का फेशियल हुआ है तभी तो रात तो बहुत अच्छा ग्लो आया था। हमारे छोटे से प्यारे से सब्सक्राइबर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं घड़ी में 5 और मैंने व्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया। जैसे आपको पता है बिजी हो जाते हैं तैयार होते वक्त, बच्चों के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कभी वो कुछ मांगते हैं कभी कुछ, और रेडी होते वक्त तो बिल्कुल भी व्लॉग बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले से स्टार्ट कर देती हूँ। जब तक माहीन है दूसरे वाले रूम में रेडी हो रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है, बाकी आपको मैं रेडी होने के बाद दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आप मेहंदी का कलर भी हमारा देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आया है, भाभी ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। और व्यूअर्स इसी के साथ साथ जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बाकी वीडियोस को भी खूब इंजॉय करिए। और आज है फंक्शन वाला डे, तो रेडी होना है, जल्दी से चलते हैं घर पर, क्योंकि बहुत बार अम्मी की भी कॉल आ चुकी है, भाई की भी कॉल आ गई है और भाभी की भी कॉल आ गई कि कितनी देर में आ रही हो। बस मैंने कहा कि मैं रेडी होकर फ़ौरन पहुँचती हूँ, और जितने क्लिप्स होंगे सब कुछ आगे आपके साथ व्लॉग में शेयर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो चलते हैं दूसरे वाले रूम में और माहीन, हयात और लाइबा को दिखाते हैं कि वो लोग कैसी लग रही हैं। और लाइबा भी हैं, वालेकुम अस्सलाम। और माहीन भी रेडी हो गई हैं, माहीन भी रेडी होकर बहुत अच्छी लग रही हैं। माहीन दिखाओ, यहाँ पर माहीन ने पहना है जीन्स और टॉप, और हयात चली गई हैं बाहर नाराज़ होकर हमेशा की तरह जो वो करती हैं। तो यहाँ पर माहीन ने भी अपने बालों को स्ट्रेट किया है और काफ़ी अच्छी लग रही है। और लाइबा भी हमारी बहुत अच्छी लग रही है, और मेरी मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आया है, और पूरा रूम इस टाइम मैसअप हो रखा है। अब हम चलते हैं, मेरा बैग भी रेडी हो गया है, उसको भी मैं बंद कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स ये है मेरा पूरा लुक, और आप देख सकते हैं कि मेरे सूट का कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी आगे चलकर भी मैं आपको दिखाऊंगी, और ये कलर भले ही डार्क है लेकिन इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस पे जो नेक पे वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। आज मैंने अपने ये वाले इयररिंग्स पहने हैं गोल्ड के, और काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे ये, और थोड़ा लुक भी मैंने चेंज किया है। तो बस जल्दी से चलते हैं, और आगे का वीडियो तो हमेशा की तरह हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, और सब लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। चलो बच्चों, तो यहाँ पर हमने गिफ्ट्स वगैरह भी ले लिए हैं, बच्चों के कपड़े हैं, भाभी के चारों बच्चों के कपड़े हैं, और वो सब मैं अभी आपको घर चल कर दिखाऊँगी। वो भी साथ में आई थी हमारे साथ रेडी होने के लिए, और सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, माहीन भी रेडी हो गई थी। चलें जल्दी जल्दी। हो गए तो रेडी से यार सब, कौन हमने रख लिया। मंजू थोड़ी अच्छी लग रही, बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय। पता नहीं क्या क्या कह रहा है। वालेकुम अस्सलाम। पप्पू क्या कह रही, पप्पू 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 पप्पू। हाय गाइस, दिस इज माय सिस्टर, दिस इज माय मम्मी। इनके गोदी में ना बच्चा है, उमर। Umar, happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Oh my God, it's so good. Mama, bas karo. Hala. मेरे को बहुत गर्मी लग रही है।
गर्मी हो भी बहुत रही है ना खाला, गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम लोग कूलर के आगे बैठ गए। यहाँ पर सब लोग रेडी हो गए, ये तो बस खुशी हो रहा है झूठ मूठ की हंसी में। ये पिघल रहा है, यहाँ पर उमर का केक भी आ चुका है और लाइट चली गई है हमारी किनारे से। तो ये है मेरे सबसे छोटे भाई और भाभी, इन्हीं के बेटे की बर्थडे है, तो बर्थडे के डे में ही हम लोगों ने अकीका सेलिब्रेट किया है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के दो दो फंक्शन गर्मी में एक साथ करना इम्पॉसिबल होता है, तो डिसाइड हुआ था कि बर्थडे में ही हम उमर का अकीका करेंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा सब कुछ। गर्मी बहुत ज्यादा है और लाइट चली गई है, हम अपनी वीडियो बना रहे हैं। इसके कपड़े चेंज कर देना, जीरो पॉइंट सिक्स पे दूर हो जाता। हाँ मैं आ रही हूँ। तो यहाँ हम जल्दी जल्दी केक को कट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहा है। तो हमेशा की तरह यहाँ पर फैमिली पिक्स वगैरह लिए जा रहे हैं, अम्मी हैं, मेरे दोनों भाई हैं और मैं और नसीर भी है, और यहाँ पर मेरी भाभी की फैमिली है, भाभी अपनी सिस्टर्स और अपनी अम्मी के साथ पिक्स वगैरह ले रही हैं और माशाल्लाह सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। गर्मी थी लेकिन इंजॉयमेंट का कोई एंड नहीं था। तो यहाँ पर अम्मी हमारी ताई के साथ खड़ी हुई हैं, तो सब लोग जो बहुत दूर बैठे हैं अपनों को देख नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरी वीडियोस के थ्रू वो लोग सब एक दूसरे को देख पाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर से यहाँ पे फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है, पिक्स वगैरह लिए जा रहे हैं और यहाँ पर भाई और भाभी भी हैं। सबसे बड़े भाई हॉस्पिटल में हैं, जैसे मैंने आपको बताया था उनके यहाँ बेटा हुआ है, तो बस वो लोग वहीं पर हैं, अभी तक घर नहीं आए हैं, और यहाँ पर हमेशा की तरह मैं भी आ गई हूँ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने। हाँ तो गए है नहीं है क्या? अरे खाना नहीं खाना है तुम लोगों को जो ये सारी चीजें आ रही हैं? सुबह बात करना सुबह।
सब जाता है सब जाता हमारे छोटे से प्यारे से सब्सक्राइबर आई है और वैसे तो मेरे भतीजे हैं लेकिन मेरी वीडियोस देखते हैं। जी जी सलाम। मतलब केक का फेशियल हुआ है तभी तो रात तो बहुत अच्छा ग्लो आया था तभी लग रहा है बहुत ज्यादा आया और हम खा रहे हैं खाना। अभी तो काफी आप देख सकते हैं इतने छोटे बच्चे कितने ज्यादा माँ बापों को परेशान कर रहे हैं कि उनकी मम्मा तो हाथ में लिए फोन बैठी हैं और बच्चे देख रहे हैं तसल्ली से। देखो तो वही तो इतने आराम से देख रहे हैं। बैलून लोगी? बैलून हाँ अभी देती हूँ मैं, रुक जाओ। वालेकुम ठीक है। तो व्यूज काफ़ी थक गई थी तो अभी रिलैक्स कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो यहाँ पर अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं खाना और मैं भी यहाँ पर खा रही हूँ फेवरेट हमारा कोरमा। तो व्यूज़ ये सारे क्लिप्स फंक्शन के थे। आई होप आपने वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।